फटाफट खबर देखो 30 सेकंड दे विच, डाउनलोड करो तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच। केजरीवाल से कौन सा ये बस लाना इलेक्शन स्टंट है? तो मैं ऐसे स्टंट करता रहूंगा? नहीं, बस लाना, लोगों को सहूलत देना, ये इलेक्शन स्टंट है। और जो मैं कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट पर बस जानी है, भैया जाने दो, 3000 रुपया बादल ले रहा है, 87 लाख रुपया उनको दिन की कमाई है, जरा अपनी बस चला दो या मेरी चला दो, ये गदगद पंजाब में खदखद कर देंगे, आने दो समय। ट्रांसपोर्ट को लेकर आप नए ऐलान किए गए, किस तरह से देखते हैं नए ऐलानों को? भाई ऐलान नहीं किए गए, ऐलान नहीं, मैंने तो सारे ऐलान पूरे कर दिए गए। किसने कहा ऐलान के? ऐलान ही ऐलान सारे पूरे कर दिए गए। आपको मैंने कहा था 400 करोड़ से बसें खरीद रहा हूँ, बसें खरीद ली, बसें बनकर आ गई, आज आपके सामने खड़ी हैं। 400 करोड़ से हम बस स्टैंड का निर्माण कर रहे हैं, मैं रोजाना उद्घाटन कर रहा हूँ, टेंडर लग गए हैं, ठेकेदार लग गए हैं, 6 महीनों में बस स्टैंड कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने कोई ऐलान नहीं किया, जो ऐलान किया उसको पूरा किया, बस माफिया को खत्म किया है, नए टाइम टेबल बन गए हैं। मेरे को इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं है कि मेरे कार्यकाल रहते रहते मैंने तमाम से वादे पूरे कर दिए। एक सवाल, अरविंद केजरीवाल है वो बार बार आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है ये। यार केजरीवाल से कौन सा ये बस लाना इलेक्शन स्टंट है? तो मैं ऐसे स्टंट करता रहूंगा? नहीं, बस लाना, लोगों को सहूलत देना, ये इलेक्शन स्टंट है। और जो मैं कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट पर बस जानी है, भैया जाने दो, 3000 रुपया बादल ले रहा है, 87 लाख रुपया उनको दिन की कमाई है, जरा अपनी बस चला दो या मेरी चला दो। आप एनआरआई की बात करते हैं, केजरीवाल वहां से चला दे बस, यहां से मेरी चलने दे, ये इलेक्शन स्टंट है, अपनी चला दो, जो 1200 रुपए में पंजाब के लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़े और लेके जाए। एक और सवाल, जो कल एमसी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी काफी गदगद है, ये गदगद पंजाब में खदखद कर देंगे, आने दो समय। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ राजा वड़िंग, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह के वादे पंजाब में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने किए थे, उन तमाम वादों को पंजाब सरकार है वो पूरा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चांदीराम के साथ ललित शर्मा।